कोरोना संक्रमण के चलते लगाए गए प्रतिबंध ने हर वर्ग को प्रभावित किया है। इसमें छोटे व्यापारी और किसान के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। उमरिया जिले के बरहटा गांव में नदी के किनारे इन किसानों ने दिन रात मेहनत करके खीरे की बहुत ही अच्छी फसल तैयार की है, लेकिन वो इसे बेच नहीं पा रहे हैं, जिससे उन्हें काफ़ी नुकसान हो रहा है। गाँव में जाते हैं तो पुलिस वाले भी मारते हैं, गांव-गांव घूमते हैं, तो शहर में तो जाने को नहीं मिलता है। लॉकडाउन लगाया, अगर बैठ के बेचे तो वहाँ भी लठ मारते पुलिस वाले, तो ऐसे में हम कहाँ बेचेंगे, अपना शरीर बचाएंगे कि बेचेंगे। अच्छा, पहले कितना रेट मिलता था हर साल, और इस साल क्या रेट मिल रहा है? जी, पिछले जब कोरोना नहीं था तो 30 रुपए से शुरू में 40 रुपए तक खीरा बिकता था, फिर जब डाउन होता था 20 रुपए 15 रुपए बेचते थे हम उमरिया जिला और चंदिया में। जी, अब गांव-गांव में बेचते हैं 10 रुपए किलो, 5 रुपए किलो। अच्छा जी। हालांकि सब्जी की उपलब्धता बनाए रखने के लिए सब्जी मंडी को बंद नहीं किया गया है, लेकिन सब्जी मंडी को सिर्फ 12 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। ऐसे में किसान अपनी उपज को औने पौने दाम पर बेचने को मजबूर हैं। सर, हम लोग 12 बजे तक में पूरा, यहाँ से हम लोग सुबह 6 बजे से ककड़ी तोड़ने स्टार्ट करते हैं, हमको लग जाता है लगभग 1 घंटा लग जाता है तोड़ने में। फिर हम लोग जाते हैं तो 8:30 या 9 बज जाते हैं, जाते जाते वहाँ टाइम हो जाता है, मंडी में हमको रेट भी सही नहीं मिल रहा, 4-3 रुपये ककड़ी उठती है, और 12 बजने के बाद वहाँ तो बिल्कुल बैठने नहीं दिया जाता है। पिछले साल भी कोरोना के चलते लगाए गए लॉकडाउन के कारण इन किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ था। वो इससे उबर ही पाते कि दोबारा आई कोरोना की दूसरी लहर ने इन छोटे किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। साल तो पूरी बाड़ी उजाड़ दी थी, पर साल भी लॉकडाउन था ना। अच्छा, पिछले साल भी आप लोगों ने लगी बाड़ी चरवा दिए थे, कहाँ बेचे फिर लॉकडाउन में। आपके इस खेती के अलावा, ये जो आप खीरा ककड़ी का उत्पादन करते हैं जी, इसके अलावा और क्या धन आय का क्या साधन है? कोई साधन नहीं साहब, कहीं मजदूरी लग गई तो कर लिए, नहीं यही खेती है हमारी, पूरी जमीन जगह सब कुछ यही मान लो। तो इस तरह से ये जो छोटे किसान हैं जो नदी के किनारे खीरा ककड़ी लगाकर अपना जीवन यापन करते हैं, इस लॉकडाउन के कारण इनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उसमें मंडी में चाहे टाइमिंग की व्यवस्था हो, चाहे मंडी में इनके उत्पाद का कम रेट मिलना हो, ये तमाम सारी परेशानियां हैं जिससे ये छोटे किसान जूझ रहे हैं।